नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का मैं डॉक्टर कैसे सिन्हा की एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 10, 11 और 12। इसके पहले 9 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मैं देख लिया हूँ, तो उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 में दो प्रश्न है, बोल रहा है सिद्ध करना है आपको दोस्तों। सिद्ध करना है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग को सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सिद्ध करने वाले प्लस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं एल एच एस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बराबर के बाईं ओर क्या है उसको एक बार लिख लेना है, ब्रैकेट देना। 1 माइनस में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पे लिख लेते हैं इंटू, फिर यहाँ पे क्या है 1 प्लस का क्या है साइन थीटा, और हम लोग को लाना क्या आर एच एस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि ए मान सकते हैं किसको, 1 को, तो यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस बी को क्या मान सकते हैं साइन, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा आर एच एस के बराबर आ चुका है। यही हमारा हो गया प्रूव्ड, और यही हम लोग को करना था, तो ये हमारा हो गया। ठीक है ना, कैसे किए देखिए, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस बी आगे रखे या ए माइनस बी आगे रखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको फॉर्मूला पे तोड़ दिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए मान लिए 1 को और बी मान लिए साइन थीटा को, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला से होता है। चलिए यहाँ पे 10 का 2 में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सोल्यूशन, और उसके बाद यहाँ पे एल एच एस, और प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए। प्रश्न यहाँ पे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हम लोग को लाना है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग एल एच एस में क्या है 1 प्लस का कॉस थीटा और इंटू में है 1 माइनस का कॉस थीटा, ये आपका है। अब यहाँ पे लाना क्या 1, देखिए ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि हमारा आर एच एस में यही लाना था, और ये आ चुका है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है ना, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर मिलाना साइन टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखेंगे एल एच एस। एल एच एस में हमारा जो प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, 1 माइनस का क्या है कॉस थीटा और इंटू में क्या है 1 प्लस का क्या है कॉस थीटा, ये है, और बट्टा में क्या है हमारा, बट्टा में हमारा 1 माइनस का साइन थीटा और इंटू में क्या है 1 प्लस का साइन थीटा। तो एक बार हमें यहाँ पे क्वेश्चन को लिख चुके, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसको इसको क्या कीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे तोड़ दीजिए। देखिए ए के जगह पे दोनों जगह ए है ना, 1 1 है ना, और माइनस है यहाँ प्लस है, और बी के जगह पे कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो ए के जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी के जगह पे क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा, उसी तरह से नीचे में भी है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, और दोनों जगह साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा साइन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा आएगा 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा,
और बटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, और यहाँ पे सबका स्क्वायर है तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि हम लोग को यही लाना था। क्या आ गया हमारा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया है आर एच एस के बराबर, और यही हम लोग को प्रूव्ड करना था दोस्तों, जो कि हमारा प्रूव्ड हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है, वन बट्टा का है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और इक्वल मिलाना है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। इसको हम लोग दो तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे यहाँ पे, पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्या कीजिए, वन को रहने दीजिए, ठीक है, वन को रहने दीजिए, और बराबर में यहाँ पे देखिए ये नीचे मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो वन है, तो तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो वन में वन से गुना हुआ तो वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, और इसमें क्या गुना होगा, इसको ब्रैकेट में रखने, ये तिरछा तिरछे गुना हुआ तो इसमें भी आ जाएगा हमारा सेक थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा टेन थीटा, ये हम लोग गुना कर लिए तिरछा तिरछी, है ना, वन में वन से गुना होता है वन, और बराबर यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और गुना कर दिए सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और यहाँ पे वन बराबर, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे होगा या नहीं, जरूर होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे सेक थीटा का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, वन माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक इक्वल हो जाएगा माइनस नहीं सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ एक फॉर्मूला पढ़े दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, और दोनों हमारा बराबर हो गया, वन बराबर वन, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। एक और तरीका से किस तरह से हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, तो इसको हम सबसे पहले इरेज कर लेते, इरेज नहीं यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसी प्रश्न को, देखिए यहाँ पे वन है तो वन बराबर हम लोग अभी यहाँ क्या देखे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन, तो हम लोग वन के जगह पे क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा और प्लस का क्या है टेन थीटा, ये है। अब यहाँ पे क्या हम लोग कर सकते हैं, ये एल एच एस का सोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा और माइनस का क्या देंगे टेन थीटा, और इसको ब्रैकेट में बंद रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, ये हो जाएगा आपका, और बट्टा में क्या है हमारा सेक थीटा और प्लस का क्या है टेन थीटा, ये आपका है। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस का टेन थीटा से ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा ये कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे क्या सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, तो ये हम लोग दो तरीके से प्रश्न को सोल्यूशन कर लिए, ये आ गया हमारा आर एच एस के बराबर। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।